हेलो एवरीवन, चैप्टर 12 शुरू करते हैं, जो है बिल्ली बेच रही गुब्बारे। यह एक कविता है। यहाँ पर गुब्बारे बेच रही है बिल्ली। बिल्ली है जो गुब्बारे बेच रही है, वो किस तरह से गुब्बारे बेच रही है, ये कविता के रूप में है जो हम रीड करते हैं। चूहों की गलियों में बिल्ली बेच रही गुब्बारे। चूहों की जो गलियां हैं वहाँ पर बिल्ली क्या कर रही है, गुब्बारे बेच रही है। लाल गुलाबी हरे बैंगनी नीले पीले प्यारे। लाल गुलाबी हरे बैंगनी नीले पीले प्यारे। जो बिल्ली गुब्बारे बेच रही है वो कैसे हैं, लाल गुलाबी हरे बैंगनी नीले और पीले और प्यारे भी हैं। 1 रुपये का 1 मिलेगा, चाहो जितने ले जाओ। जो बिल्ली है वो कैसे है? बेच रही है गुब्बारे, लाल गुलाबी हरे बैंगनी नीले पीले प्यारे। 1 रुपये का 1 मिलेगा, चाहो जितने ले जाओ। लंबू ले लो मोटू ले लो, चुईया रानी तुम भी आओ। जो बिल्ली है वो कैसे बोल रही है कि लंबू ले लो मोटू ले लो, चुईया रानी तुम भी आओ। नहीं बिके तब बोली बिल्ली, मुफ्त बांटती में ये सारे। आओ निकल बिल्लों से, अब तुम ले जाओ गुब्बारे। जो बिल्ली थी उसने चालाकी से गुब्बारे बेचने के बहाने चूहों को बिल्लों से बाहर निकालने के लिए क्या बोला कि मुफ्त में ही बेच रही हूँ गुब्बारे, अब तो अपने बिल्लों से बाहर निकलो और ले जाओ गुब्बारे। लेकिन चूहा एक न निकला उसके डर के मारे। बोले मौसी नहीं चाहिए हमें गुब्बारे तुम्हारे। जो चूहे थे वो एक भी नहीं निकले बिल्लों से, क्योंकि उनको पता था कि बाहर निकलेंगे वो उनको खा जाएगी, इसीलिए वो बलून के लालच से बाहर नहीं निकले। इसलिए बिल्ली ने क्या कहा कि मैं मुफ्त में बेच रही हूँ चालाकी से ताकि कोई बाहर निकले, पर कोई भी बाहर नहीं निकला। और चूहों ने क्या कहा कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारे गुब्बारे। ये हमारे बिल्ली गुब्बारों की, बिल्ली के बेचने वाले गुब्बारों की कविता कंप्लीट हो गई है। अब हम चैप्टर 13 शुरू करते हैं, जो है वीर जवाहर। जो हमारे वीर जवाहरलाल नेहरू थे उनकी जीवन के बारे में बताया गया है इसमें। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत संघर्ष बहुत मेहनत की। वे कई बार जेल गए लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। बचपन में वो थोड़े शरारती थे, इसीलिए कई बार उनके जीवन में अजीब घटनाएं घटी। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश को आज़ाद करवाने में बहुत मेहनत करी और वो अनेक बार जेल भी गए लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। लेकिन वो बचपन में थोड़े शरारती थे, इसीलिए कई घटनाएं उनके जीवन में हुई। उन्हीं घटनाओं से प्रेरणा लेकर वे आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर उनके जीवन की एक घटना का वर्णन किया गया है। उनके जीवन में कई घटनाएं हुई लेकिन उनके जो बचपन में कौन सी घटना का एक वर्णन, जो कोई एक घटना है उसका एक वर्णन इसमें किया गया है। बालक जवाहर का बचपन बहुत ही लाड़ प्यार से गुजरा था। उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू बहुत अमीर थे। उन्होंने जवाहर के लिए एक घोड़े की सवारी का इंतजाम कर दिया। जब जवाहर घूमने जाते तो एक व्यक्ति उनके साथ चलता। बालक जवाहर को इस तरह चलने में मज़ा नहीं आता था। इस तरह घोड़ा धीरे धीरे चलता था। वो बार बार उस व्यक्ति से इस बात की शिकायत करते। जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके पिता ने उनके लिए जाने के लिए घोड़ा रखा था लेकिन जो घोड़ा था धीरे धीरे चलता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने उस घोड़े वाले को शिकायत भी की। एक दिन बालक ने घोड़े के साथ पैदल चलने वाले व्यक्ति से कहा, काका आप मुझे अकेले ही घोड़े को दौड़ाने दो। वह व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उससे बालक के घोड़े से गिर जाने का डर था। उसे क्या डर था कि बालक घोड़े से गिर जाएगा, लेकिन बालक को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी। बालक के जिद करने और बार बार कहने पर वो कुछ दूर हट गया। अब जवान ने घोड़े को जोर से दौड़ाना शुरू किया।
घोड़ा कुछ देर तो दौड़ा, फिर उसने जवार को नीचे गिरा दिया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। जवार के पिता मोतीलाल नेहरू ने जब घोड़े को खाली वापस आया देखा तो वो घबरा गए, परंतु इतने में ही पीछे पीछे बालक जवार भी दौड़ता हुआ आ गया। वह बोला, पिताजी मैं घोड़े को दौड़ा रहा था, इसने मुझे गिरा दिया, लेकिन मैं घबराया नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है, पर देखिए मैं दौड़ा दौड़ा आ गया और घोड़े के साथ साथ ही उस आपके पास पहुंच गया। अब मैं इसे फिर से दौड़ाऊँगा। मोतीलाल नेहरू बालक की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा दिए। वह अपने लाडले बेटे को शाबाशी देते हुए बोले, तुम सचमुच बहादुर हो, आज मैं समझ गया कि बड़े होकर तुम बड़े बड़े काम करोगे। जवाहरलाल ने बड़े होकर वास्तव में बहुत बड़े बड़े काम किए। भारत को आज़ादी मिलने पर वो प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पर हमारे जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बाद एक घटना के बारे में बताया गया है कि वो बचपन से ही उनके अंदर एक साहस था कुछ कर दिखाने का, और वो बड़े होकर भी बहुत हमारे देश के लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने में बहुत सहायता की। तो ये हमारा जवाहरलाल नेहरू वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप सबको समझ में आया होगा। Thank you so much. Have a nice day.